सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो पर। अभी मॉर्निंग का 6 बजने वाला है और 15 मिनट बाकी है और फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। जाने वाला हूँ नागालैंड डीमापुर और मेरा ट्रेन है गुवाहाटी से। एक्चुअली कल से हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो उसका वजह से हॉर्नबिल फेस्टिवल विजिट करने जा रहा हूँ नागालैंड। तो चलिए अभी देरी नहीं करते, आज का दिन का शुरुआत करते हैं। और एक्चुअली मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और दवाई वही ले लिया, कोई टेंशन का बात नहीं है। कल से थोड़ा सा तबीयत ठीक था, उससे पहले तो और ख़राब था, बिस्तर से उठ नहीं सकता था, इतना कॉफ हो रहा था ना और बुखार भी हो गया था। ठीक है अभी चलता हो, ठंड है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाला है। कोहिमा में लास्ट टाइम गया था मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड था। लेकिन कोई नहीं, दो दो जैकेट ले लो, सब कुछ रेडी है अपने पास। और हर बार की तरह इस बार भी मेरा छोटा भाई छोड़ने जा रहा है स्टेशन तक। हेलो गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सही को। ओके चलो बस फाइनली पहुंच गए पल्टन बाजार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रहा है तो ठीक है जल्दी जल्दी चलता हूँ। ओके मिलते हैं जल्दी। हाँ बाय बाय। चलिए वो 10 मिनट बाकी है भाई, ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, चलिए चलते हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का रेलवे स्टेशन का, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। यहाँ पे शायद कुछ बना रहा है काम वगैरह, ब्रिज होगा शायद, फुट ब्रिज, गुड ब्रिज बनाएगा यहाँ पे। चलता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे अभी टाइम देखिए 6:05 हो चुका है और ये रहा गुवाहाटी टू जोरहाट जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये रहा मेरा क्या बोलते हैं इसको डिब्बा D9 और सीट भी मिल चुका है 102। वहाँ पे बैठा वो जो अंकल है वहाँ पे। बाहर कोहरा देखिए, पूरा फोगी फोगी हो गया रखा है सुबह सुबह का, पूरा ठंडा ठंडा वेदर। और आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए वो ट्रेन जो है धीरे धीरे जा रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अगर तो। सफरमुख जंक्शन पहुंच गया जंक्शन, और अभी जाके धूप निकला हुआ है, अभी थोड़ा सा अच्छा लगा है। तो गाइस इसका बाद आने वाला है हुजा स्टेशन, और हुजा स्टेशन में मिलने वाला है गुंजन भाई फुटबॉल ट्रेवलर। काफ़ी दिनों बाद भाई से मिलने वाला हूँ तो आप सभी से भी मिलाऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कीजिए। और मैं अभी धूप में थोड़ा सा खड़ा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही ठंडा है ना इसके वजह से। और मेरा थोड़ा सा तो तबीयत ठीक है अभी, लेकिन गर्म लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस पहुंच गया हो जाए स्टेशन, और अभी देखता हूँ गुंजन भाई कहाँ पे रुका हुआ है। वाह काफ़ी बढ़िया है सराउंडिंग। वो रहा देखो, वो रहा ये रहा। हेलो गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये रहा गुंजन भाई। हेलो कैसे हो आप लोग, बढ़िया ना? बढ़िया। चलो ओके। तो जितना आदमी था पूरा उतर गया है, अभी हम लोग दोनों भी उतरने वाले हैं। और वहाँ पे भी देख सकते हो दीमापुर में लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं। और हम लोग का भी डेस्टिनेशन पहुँच गया दीमापुर,
तो गाइस ऐसा कुछ दिखता है दीमापुर रेलवे स्टेशन। और हमारा जो कोच था वो काफ़ी पीछे था, तो अभी बाहर निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ आप सभी से। और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है, मुझे एक चार्जर का वायर लेना है, सी टाइप का केबल डाटा लेना है, क्या बोलते हैं, हाँ वायर लेना है। और भाई को थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है, गुंजन भाई को देखता हूँ बाहर निकलता हूँ पहले। फिर दीमापुर से पहुँचना है कोहिमा, जो कि है नागालैंड का कैपिटल। तो कैसे अभी स्टेशन से निकल के आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ न्यू मार्केट, क्या कौन सा नया मार्केट ना, न्यू मार्केट ओ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई, पहले भी गया है ना। चलो क्या टी शर्ट वगैरह लेगा क्या, कुछ देखता हूँ अगर पसंद आए तो। हाँ सही है, देखता हूँ। मेरा तो मेन काम वही वायर लेना है, वायर लेना है। अभी मेरे को पूरा फुल कॉन्फिडेंस पे हुआ अभी मैं भाई, क्योंकि मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि हर मुसीबत को पूरा दे सकता है। अरे अभी कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे पास ट्रांसलेटर है अभी टेंशन नहीं है। ठीक है तो पहुँचते हैं, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, हाफ किलोमीटर जैसा होगा, कोई नहीं पहुँचते, मिलता है उसके लिए। तो गाइस पहुंच गए न्यू मार्केट, ऊपर में पूरा पार्किंग एरिया है गाड़ी का, और अभी चलते हैं अंदर। वाह ये तो खतरनाक गली है रे, पूरा दुकान ही दुकान दोनों तरफ। अंकल जी बुला रहा था गुंजन को, पहचानता होगा। तो बस अभी मार्केट से निकल के आ चुका हूँ। एक्चुअली भाई को वो जर्सी लेना था, लेकिन साइज़ पसंद नहीं आया, मतलब वो साइज़ का है नहीं, उसको वजह से लिया नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे वो अपना वायर लेने के लिए आया हूँ। और एक्चुअली अभी 11:30 बज गए, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से कोहिमा पहुँचता हूँ चार्जर लेके बस। तो गाइस सामने ये रहा दीमापुर रेलवे स्टेशन, और मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करके अभी आ चुका हूँ। और सामने है बस स्टेशन, अभी देखता हूँ बस से जाओ या टैक्सी लेके जाओ, किससे जाना बेटर रहेगा, बस या टैक्सी? बस मिलेगा तो बस से जाएंगे। हाँ ठीक है। और बस का बस जो क्या बस स्टेशन बोलते हैं ना, बस स्टॉप, बस स्टेशन, हाँ ये सामने है, ये रहा स्टेशन आपका दीमापुर रेलवे स्टेशन, सामने ये नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो गाइस सामने ये रहा नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट, अभी अंदर चलते हैं देखते कोहिमा के लिए कुछ बस वगैरह है कि नहीं। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा गर्मी है, गुवाहाटी से भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, मैं तो जैकेट पहना हूँ फिर भी मतलब धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। काउंटर वहाँ पे होगा, वहाँ पे जाके पूछते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ है NST नागालैंड दीमापुर का बस स्टैंड। और अभी यहाँ पे मतलब जो यहाँ से दीमापुर से कोहिमा जाने वाला बस अभी अवेलेबल नहीं है, सब लोग पूरा लाइन पे रुका हुआ है। और मैं और गुंजन भाई सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके कोहिमा पहुँचने के लिए हॉर्नबिल तक, क्योंकि अभी 12 यहाँ पर ही बज चुका है और शाम तो जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से अभी देखता हूँ, अगर हिचहाइकिंग करके ट्राई करता हूँ, नहीं तो दूसरा कुछ करने पड़ेगा, जो भी होगा आप लोगों को पता ही चल जाएगा। यहाँ पे मतलब कोई लोग भी नहीं है काउंटर में, और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो गाड़ी आने वाला है वो कब है पता नहीं है, तो ऐसे ही बैठ के भी फ़ायदा नहीं होगा, तो उसकी वजह से चलता हूँ अभी। तो गाइस ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके। तो गाइस अभी भैया ने दिया था लिफ्ट करीब 5-6 किलोमीटर, और ये जगह का नाम है फोर्ट माइल है, ये जगह का नाम फोर्ट माइल है ना, हाँ फोर्ट माइल है। और यहाँ से क्या जाता है ये लिखा हुआ डिफू पार, अच्छा ये यहाँ से लेफ्ट से पूरा डिफू पार एरिया, और ऐसा कुछ एंट्रेंस गेट बना हुआ है। वाह तो गाइस अभी वरना अभी बात करके देखते, ये पहले तो घुमानी
अरे भाई यहाँ का गर्मी ने यार आज हालत खराब कर दिया मेरा। ओ वेस्ट बंगाल का गाड़ी है। तो गाइस फाइनली लिफ्ट मिल चुका है डायरेक्ट कोहिमा तक। ओ इस तरफ थैंक यू सो मच भैया। ओके एक्चुअली भाई भी अकेले ही जा रहा था। सही है, अभी आप टेंशन मत लीजिए। तो गाइस फाइनली पहुंच गया कोहिमा। वहां पे लिखा हुआ है देखिए आई लव कोहिमा। ये है जंक्शन। इस तरफ से भी एक रास्ता जाता है। आई लव कोहिमा, वाह क्या मस्त है। अभी दोपहर का 3:10 हो चुका है और फाइनली पहुंच गया हूँ नागा हेरिटेज विलेज। और जैसे ही कोहिमा एंटर हुआ और यहाँ पे आया ना, इतना ज़्यादा भयंकर वाला ठंड लगने लगा भाई, पूरा मौसम चेंज हो गया है। और एक्चुअली जो भैया के साथ आए थे वो भैया आगे जा रहे, वो रहा गाड़ी। और जो हॉर्नबिल के लिए जो गेट है, एंट्रेंस गेट, वो आगे में है। तो भाई को भी थोड़ा सा भाई के साथ आया था, यहाँ पर कुछ चाय वगैरह पीता हूँ एक साथ। और ये रहा, इसको तो यार ठंडा भी नहीं लगता। ओ भाई क्या हो गया तुम, लग रहा है? अच्छा सही है सही है। ओके हाँ केक ले लोगे? ओ इस तरह चाय पीते। हेलो हाँ अपने दुकान नाम क्या है? आते ना? हाँ ठीक है ओके ठीक है, बहुत बेसी धन्यवाद है, थैंक्स। ओके ओके ठीक है। और ये रहा रेड टी, लाल चाय आ चुका है, पीता हूँ। और साथ में केक ना? ओके ठीक है, खाबो दे। ঠিক আছে বাই বাই। ওকে ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ভাল করে যাবে। ওকে তো গাইস ফাইনালি পৌঁছ গেও আর সামনে এই রাখা নাগা হেরিটেজ ভিলেজ। ও গেট দেখিয়ে না কতনা মস্ত করকে বনা হুয়া হ্যায়। तो बस ये रहा खूबसूरत सा गेट नागा हेरिटेज विलेज। ओ माय गॉड, अभी चलते अंदर की समा नागा हेरिटेज विलेज। वाओ एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है, पिछले बार भी आया था। और गुंजन भाई का भी सेकंड टाइम ही है। हाँ भाई सेकंड टाइम। हाँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। आज हम लोगों ने भाई और मैंने प्लानिंग किया था बस से आने का, लेकिन फिर बस को तो आता पता ही नहीं था। फिर अच्छा हुआ हिचहाइकिंग करके आ गया। और काफ़ी ज़्यादा अभी जो भैया मिले थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार मिले भैया से, काफ़ी ज़्यादा बातें किए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नागालैंड का लोग, नागालैंड हॉस्पिटलिटी, सच में गाइस दिल खुश हो जाता है। इतना पूरा मिले हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इतना मतलब प्यार मिला ना भाई, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो आप। और लोग देख सकते हो पूरा गाड़ी उड़ी लेके पूरा आ रहा है भाई। और मेरा पीछे ये रहा नागा हेरिटेज विलेज। वाओ तो पूरा सामान उमान लेके जा रहा है गाड़ी में, दुकान उकान का होगा। और यहाँ पे देखिए पूरा लाइटिंग वगैरह करके रखा हुआ है। रात को कितना मस्त खूबसूरत दिखता होगा, रात को दिखाएंगे बढ़िया सा वीडियो बना के आप सभी को। और अभी तो पहुँचा भी नहीं, पहुँचता हूँ मेन वहाँ तक, फिर मज़ा आएगा भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए। तो बस ये रहा दूसरा गेट, पहला तो नीचे में एक गेट मिलता है और ये रहा दूसरा वाला गेट किसमा हेरिटेज। यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था एक्टिवा लेके आया था मैं, तब मेरा एक्टिवा वहाँ पर ही पार्क करके रखा था। वाह और सराउंडिंग देखिए ऐसा कुछ है यहाँ का बाहर का। और ये रहा खूबसूरत सा गेट। वाह चलिए एंटर करते हैं।
और अभी पहला टास्क ये रहा, ये है मतलब रहने के लिए, टेंट लगाने के लिए कोई अच्छा सा लोकेशन, अच्छा सा जगह मिल जाए, बस हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अंदर आ चुका हूँ और वहाँ पे लिखा हुआ है नगा हेरिटेज विलेज, पूरा पहाड़ के ऊपर में। और देखिए सराउंडिंग कितना खूबसूरत, बेम्बो पेविलियन। ओ इसका अंदर म्यूजियम है, सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम, वो भी दिखाएंगे बाद में। लास्ट टाइम ना कोई कोई इसका पीछे भी टेंट लगा के उसने किया था। हाँ अच्छा ओके ओके। तो अभी पहले वही देखें रहने का जगह देख लेता हूँ, टेंट लगा लेता हूँ, फिर उसका बाद में देखता हूँ। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ना, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा कल तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। मीडिया उड़िए वाह सब आया भाई, शिलोंग का है। और हमें मेन स्टेज ना, मेन स्टेज भाई साहब क्या मस्त व्यू है ना, विंडो टू नागालैंड। और जो लाइटिंग वगैरह करके डेकोरेट करके रखा हुआ है देखिए, वाह चलिए अंदर से दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, गाड़ी भी देखिए वाह हॉर्नबिल का। ओह माय गॉड अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट व्यूज। क्या कुछ लिखा है क्या? ओह ये रहा मैं, हम लोग यहाँ पे ही घूम रहा हूँ, ये मैप का अंदर, मैप का अंदर अभी हम लोग है यहाँ पे। कहाँ पे? ये तो म्यूजियम होगी ना, इस साइड में होगा कहीं पे म्यूजियम तो। हाँ ये रास्ता ये यहाँ पे हम लोग, ये यहाँ पे हम लोग इस वाले जगह में। ओके वाओ। तो गाइस ये रहा किसमा हेरिटेज विलेज और इस तरफ का ये देखिए सुंदर सा नज़ारा, वाओ। और लास्ट टाइम जब आया था वहाँ पे एक आपको टावर दिख रहा होगा, वहाँ पर ही हम लोगों ने टेंट लगा के स्टे किया था। आज भी वहाँ पर ही चल के देखता हूँ, जाके देखता हूँ क्या होता है, परमिशन मिलता है कि नहीं, जो भी होगा पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा पैदल जाने पड़ेगा, कोई नहीं चलते हैं। और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर जाने का सोच रहा था लेकिन मैं सोचा हूँ कि पहले अपना रहने का वो जगह खोज लेता हूँ, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तब तो मतलब जगह ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है उसके वजह से। और कल से तो पूरा शुरुआत, सच में इतना मज़ा आने वाला है ना भाई, पूरा इंजॉय होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 आओ। और ऐसा कुछ रास्ते से होके जा रहे। तो बस फाइनली पहुंच तो गया, वो पिछले साल यहाँ पर ही था, इस बार तो पूरा मतलब बाउंड्री देके रखा हुआ है, पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल यहाँ से था और यहाँ पर ये जगह में हम लोग कैंप टेंट लगाया था ये जगह में, लेकिन अभी पूरा बंद करके रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है लेकिन, और ये सामने देख सकते, और यहाँ से ये खूबसूरत का खूबसूरत सा नज़ारा, वाह। तो बस अभी परमिशन लिया था लेकिन नॉट अलाउड। और इसका आसपास भी मतलब रहने के लिए वो करके रखा हुआ है। तो अंदर भी गया था, अंदर कैंप साइट है लेकिन जगह है टेंट वेंट लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पैसा चार्ज ले रहे आपका 600। हाँ अच्छे से लगाना रे। तो गाइस अभी यहाँ पे टेंट लगाने का जुगाड़ कर रहा है, ये है आपका खेर, खेर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रा ठंडा होगा ना।
तो गाइस फाइनली हो गया है, अभी कोई टेंशन का बात नहीं। एक दिन दो दिन नहीं, चार दिन पाँच दिन दस दिन जितना भी दिन यहाँ पे रहो, रहने के लिए जगह मिल चुका है। वो भी बहुत ही फर्स्ट क्लास नंबर वन जगह, मुझे लगता नहीं है कि इतना बढ़िया जगह और कहीं पे मिल सकता है। और मैं कहाँ पे हूँ क्या नहीं, अभी तो मतलब पूरा अंधेरा हो गया ना, उसका वजह से मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। वो मैं कल सुबह आप सभी को एकदम खूबसूरत सा नज़ारों के साथ मिलता हूँ। आ गया गुंजन भाई, आज हमको बहुत बढ़िया जगह मिल चुका है, हम आराम से रहेंगे, दिखाऊंगा अभी निकल के जाऊंगा, क्या कुछ होता है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वाला व्लॉग तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है देन, ओके, आप लोग आइए, आसपास हो तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, तो अभी टेंट क्लोज करता हूँ और चलता हूँ यहाँ से।